अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो हमारे घर में आज सुबह से हमारी गुड मॉर्निंग ही यूसुफ के साथ हुई है। शाम के बज रहे हैं 8:30, ठीक है? तो यूसुफ ने हम लोग को सुबह सुबह नींद में से उठाया था और अभी खुद नींद में से उठा है और रो रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है। यूसुफ सलाम करो। सलाम करो। हाँ सलाम करो। सलाम करना अच्छी बात है, देखो उधर करो। मुझे नींद में से उठाया था ना सुबह में आके, उतो पुपू पुपू तो। हाँ मैं आ गया। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ट्यूशन से नहीं आ रहा, उसको कल लेके आ रहा ट्यूशन से। थैंक यू सो मच कि तुमने ट्यूशन से उसको लेके आया, थक गई मैं। एक्चुअली थक गए हम लोग, पता है क्यों? इसको भी गार्डन जाने का था, 5 बजे से लेके 6 बजे तक के गार्डन में खेला है। क्या इसमें हो रहा है? अब भी नींद में से उठा ना, नींद में से उठ के वो भूल गया कि मैं यहीं छू। सुबह से लोग यहाँ पे, हाँ नींद में से लोग नहीं उठा मुझे 12 बजे। अभी आप लोग बोलना नहीं 12 बजे तक क्यों सो रही थी। रात भर मच्छर बहुत परेशान करते और इंसान भी परेशान करते। सुबह में सोई थी, मतलब कि कितना बज रहा था ना, 8:30-9 मेरी बेल बज गई थी, मतलब मेरा अलार्म बज गया था मेरे फोन का। 8:30 बजे का मेरा अलार्म रहता है। उठ के चुप अलार्म को बंद की, पानी पी, फिर सोई थी, समझे बाबू? सबसे पहले मोरी में जाओ। यस आई नो, दिन भर बहुत गंदा वास आता है जब वो शॉक शूज में से पैर निकालते। तो यूसुफ और उस्माना 5 बजे से लेके 6 बजे तक मस्त खेले। दोपहर में बनाई थी दाल, रात का था चिकन करेला, भरवा नहीं बनाई थी कि भरवा करेला, आप लोगों ने कल वो वीडियो देख लिया होगा। तो वो था, तो ज़्यादा कुछ बनाने का नहीं था, चावल और दाल बनाई थी और उसी के साथ खा लिए थे दोपहर में। और खा पी के फिर हम लोग गए थे गार्डन, गार्डन में खेले, उसमें गए ट्यूशन और यूसुफ आके घर पे सो गया, वो सो गया। तो मैंने भी वीडियो की एडिटिंग कर ली और आप लोगों के साथ शेयर कर दी, लाइव कर दी। सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, दिल बोला चलो अब सारे काम हो गए, अभी शाम के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेंच बीन्स की भाजी भी बना दी, देख सकते हैं आप। तो ये भाजी बना दी, अभी सिर्फ रात में रोटी बनानी रहेगी और बर्तन धोने के लिए बहुत सारे पड़े हुए हैं। अब आया है दूध, चाय की इतनी तलब लगी हम लोग को और घर में दूध ही नहीं। और लाते समय अभी बोलेंगे उसमें को ट्यूशन छोड़ने गई थी तो तब तो लाना चाहिए था ना, लेकिन मैं भूल गई थी सच्ची, घर पे आके याद है। तो खैर बाबू पहले जाओ ना मोरी में। तो अभी पियेंगे चाय, आप लोग तब तक देखो लोग गार्डन में कैसी मस्ती कर रहे थे। यूसुफ को गार्डन में जाके बहुत अच्छा लगा, ठीक है? तो अभी मैं चढ़ा दी चाय। ओ जाओ ना प्लीज ज्यादातर बच्चे करते हैं ऐसा, ज्यादातर बच्चे नींद में सोने के बाद चिड़चिड़ करते ही। तो ऐसा तो आप लोग वॉच कीजिए लोग ने कैसे धमाल मचाए थे गार्डन में। लगती रहे बच्चे लोग को खेलने में लगी, कल भी उसमें को लगा पैर पे घसड़ा लगा, फिर खेलने का जिला उसका। नहीं वापिस जाना पड़ेगा घर पे, सुसु करेगी पानी पिएगी फिर। मैं घूम गया, मैं जल गया। Thank you.
आया, उसको मजा आया। चलो सुषमा तो खेल लग रहा था गार्डन में, चल रहा देखो सर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बोले बच्चे एक दो बार खेलते ना डेरिंग खुद बखुद आती है, जैसे अभी तो डरी थी ना उसमा को देख के, उसमा को आदत हो गई अभी। देख अभी कैसा खुद से हो रहा ना, हल्ला मुझे पकड़ो, आगे से पकड़ो बोल रहा है। अच्छा क्या बोला, हाथ मत पकड़ो है ना, पापी जा रहा। मजा आ गया उसको, डर लग रहा उसको खड़ने, लेकिन तुमको ट्यूशन छोड़कर ये लोग वापस चुपके चुपके यहाँ पे आ गए। हम लोग मोमोज भी ढूंढने गए थे लेकिन मोमोज वाला बंद था। यूसुफ को खाने का है ना मोमोज, यूसुफ मंगाओ, पापा को बोलू। हाँ मोमोज नहीं खाने का, मोमोज मैंने मारी क्या तुझे? नहीं मैंने डांटी। अपन गार्डन गए थे ना, गार्डन की वीडियो देखेगा, तुम स्लाइडर पे स्लाइड किए, ची नाक में उंगली, ची ची। अभी मैं इसको बोली चल मूड होते, अभी थोड़ा उसका मूड सही, लेकिन इतना लंबा टाइम वो कैसे दिया मेरे समझ में नहीं आया। एक्चुअली ना आज ना मेरी अम्मी के घर पे ना कलर लग रहा है, रमजान की तैयारी रहता है ना यूसुफ आज, लेकिन कुछ ज्यादा लंबा हो गया रे। और लंबा इसलिए लग रहा है उसको क्योंकि उसको मोमोज सुबह से नहीं मिला, अगर मोमोज मिल गया होता ना, छुट्टी लेने का था वो मोमोज वाला, आज ही गायब है। इससे पहले भी वो मोमोज वाले ने मेरे को ना धोखा दिया है, जब भी यूसुफ को मोमोज खाने करेगा ना वो मोमोज वाला रहता ही नहीं, उसको ना यहाँ पे हमारे उधर का ना मोमोज बहुत पसंद है। और मैंने वो मोमोज वाले का नंबर लिया तो मैंने उसको फोन किया था इससे पहले कि भाई क्यों नहीं आया, तो उसकी बीवी ने बोली कि हमारा बच्चा बीमार है। नेक्स्ट डे मैं गई मोमोज लेने, मैंने बोला बच्चा कैसा है? अभी हम लोग को भाजी वाला बोलता है कि वो मोमोज वाला सो रहा है घर पे, हम लोग ने पूछा कहा है वो मोमोज वाला गाँव गया क्या, तो बोले नहीं वो घर पे सो रहा है, ऐसा धंधा कर दे भाई का, जबकि ना उनकी ग्राहकी बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं थे। छोड़ो जान दो मोमोज, मैं एक बार फिर से पप्पा को भेजती हूँ, मैं फिर से पप्पा को भेजती हूँ। देख रहा कैसा हो, मैं खुद सुबह में सरप्राइज हो गई, अरे इसको क्या हो गया सुबह सुबह, फिर आके बोलती है आज हम लोग के घर पे कलर लग रहा है नीचे के रूम पे। खैर अभी देखती हूँ वापस आपके भाईजान को भेजती हूँ मोमोज के लिए। हम लोग के पास गैस नहीं, इंडक्शन इंडक्शन, ये देखो ये इसको ना मनाते मनाते इतना थक गए हम लोग के, मनाने के लिए क्या देना पड़ा, ये गैस नहीं है, उसको गैस चाहिए रहता है चूल्हे वाला। अरे वो देना घर, देना घर पे गैस है उसमें, वो घर पे पिंक वाले घर पे गैस है, दे दे गैस कहाँ है, खोल के बोलता गैस कहाँ है। हाँ ये घर वाला गैस पे खाना बनाएगा, अरे दे दे अरे इस पे खाना बनाएगा, गैस गैस आ गया, सब लोग खाना बनाओ। देखिए ले लो इसमें सब।
नींद में से उठ के एक घंटा हो गया ना इसको, लेकिन फिर भी अभी तक की चिड़ावल चो। इसको ऐसा है बस अब मुझे घर जाने का है। नहीं भेजूंगी जब तक तेरे फुप्पा है ना मोमो नहीं लाएंगे ना, तब तक मोमो खिला के ही भेजूंगी मैं, और खाना खा के ही जाएगी जी। हाँ मैं आज दुविधा में फंस चुकी हूँ। दुविधा नहीं, और है ना यूसुफ अगर अभी जीत करेगा ना तो यूसुफ जब बोलेगा ना फुप्पू के घर पे लेके आओ तो नहीं लाना। हाँ यूसुफ कितना आने का बोलता है मेरा बच्चा यहाँ पे रोज उधर पे परेशान करता है, अम्मी बता रहे थे वहाँ पे परेशान करता पप्पू के घर जाओ और यहाँ पे आता है। भी परेशान किया कि मेरे को पप्पू के पास जाने का बोल के ही लेकर आई, और यहाँ पे आता है तो वहाँ जाने का बोलता है। दिन अच्छे से चला, चले शाम से चालू हो गया दोस्त, जब खाना देखा ना उसने दोपहर में तब से ही चालू हो गया है उसका। 3:30 बजे खाना जैसे ही निकला ना वैसे चलो घर पे चलते हैं। ऐसे किया उसने वरना खाना खा लेता है आपा के नाम से। वो ज्यादा फ्रेंडली हो गया है ना, वो अभी मेरे से जरा भी डरने लग रहा है। पहली बार ऐसे किया कि खाने के लिए वो नाटक कर रहा। खाना नहीं खाया मालूम, वो सुबह से जिद में ही मोमोज खाऊंगा मोमोज खाऊंगा। एक तो इसकी जिद भी आज कि मैं मोमोज खाऊंगा, और अब मोमोज लाने भेजू तो बोलता मुझे मोमोज नहीं खाने का चाहिए, अब मुझे सिर्फ घर जाने का बोल रहा है। नहीं तू मोमोज खा के जाएगा मेरे बेटे। बोलो ओके ऐसे कर दे ओके। अच्छा सबको सलाम करना यूसुफ, अभी तो बोलना लाइक करो, बोलना लाइक करो, लाइक करो जोर से, इधर देख के बोलो। किसका और नाजिया टेके उसमें देखो ना लिक्विड स्लाइम से खेल रही है, गंदारे चाले चालू काचे। ए मेरे पैर में लगा तेरा ये सड़े हुआ स्लाइम। अरे स्लाइम बहु बता वो काका बहु आज कैमरे में सबको बहु बताएगा मेरा बेटा। फ्रेंड सेल्फी है ना, अरे यूसुफ पापा को बहुत बहु लगा है ना मम्मा है ना, देखो यहाँ पे भी और का लगा मम्मा, और का लगा यहाँ पे भी और का लगा बेटा, वो देखो और सोना और भी लगा है ना, सब बताओ कहाँ कहाँ लगा अच्छे से बताओ, यहाँ बाजू वाले में भी लगा है और बेटा और नीचे यहाँ वाला बताओ ना, यहाँ वाला कैसे लगा मम्मा यूसुफ कैसे लगा बेटा? दपाक से पर कैसे क्या हुआ था बोलो, मैं गार्डन में खेल रहा था पर मजा आया ना। एक ही बात बोल रहा कितना भी ध्यान भटका लो, अपन रिक्शा में बैठेंगे चप्पल पिना। हाँ तो पूरा दिन हो गया ना आपा। हाँ अपन दोनों चप्पल पहन के जाएंगे सोना, चप्पल पहन कैसे जाएंगे अपन इन लोगों को बताओ, इसको अभी भी घर पे नहीं जाने का है ये चीज मैंने 3-4 बार इसने बोल दिया, मैं बोली घर जाएंगे मम्मा घर पे नहीं जाएंगे हम लोग बाहर घूमेंगे, मुझे बहुत घूमने का है मुझे फुर्सत में घूमने का यही बोल रहा है, घर पे नहीं जाएंगे मम्मा नहीं। फिर कहाँ जाएंगे? रीता में। और फिर क्या क्या करेंगे अपन? पानी दो मम्मा पानी दो, गला सूख रहा है उसको पानी दो। अपन क्या क्या करेंगे सब बताओ, अपन घर पे नहीं जाएंगे और क्या करेंगे? अपन रीता घूम के लेके अपन तालाब में बाली बैठेंगे, अपन तालाब में बाली बल 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 घर नहीं जाएंगे बल बल बल। मैंने कितनी बार दी बल दे यस घर नहीं जाएंगे मैंने बेटा नहीं घर नहीं जाएगी अपन घूमेंगे। मैंने कितनी पप्पी दी बोल दे 5-6 साल माँ की बड़ी टर। अरे वो पीछे गार्डन में वो ट्रक चल रही थी ना जो घास खोदे लगी थी क्या था वो जिसे भी क्या जैसी भी था। हाँ वैसी कुछ थी वो रोज माँ की ट्रक के घर के पीछे घूम रही तो तुमको चाहिए वैसे तलाक।
मैं लाके दूंगी। हाँ तुमको नहीं तलक। ऑरेंज ब्लू तरफ सब तलक लाऊंगी मैं तेरे लिए। ये तो बस हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, हम लोग घूमने जा रहे हैं चप्पल पीना। कावरा बावरा हो गया है ये चिप तो कावरा बावरा हो गया है। वो तो नहीं, वो अभी कुछ भी नहीं, नहीं खाएगा मेरा बच्चा। ले ले एक ले लो, फुप्पू का दिल रखने ले लो, खुश कर दो ना मुझे। मानता नहीं जब एक टर्की लगी रहेगी ना उसके दिमाग को कुछ चढ़वा रहेगा ना, किसकी नहीं सुनता वो, कितना भी ध्यान भटका लो कुछ भी कर लो। पर तू सुबह से नोटिस की उसको घर भी नहीं जाने का है, उसमें को ट्यूशन छोड़ने गया साथ में, गार्डन गया साथ में, बाहर खेला साथ में। अभी अपन क्या करेंगे, चावल पक गया, चल अपन गाड़ी लेके बाहर गाड़ी से खेलते। चल अपन नहीं, ये वाली गाड़ी लेके जाएंगे ना, ये वाली देख मैं बताती हूँ, ये वाली गाड़ी। हाँ ये गाड़ी बाहर चलाएंगे, ये वाली गाड़ी बाहर लेके जाके चलाते। चल हाँ चलो 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 चलो, जब तक फुप्पा आ जाएंगे। हाँ चलो ये बोल चलने के लिए तैयार। कैसा बोलते चलने के लिए तैयार, कैसा बोलते बात कर लेते ना, भाई को सुनने ही नहीं आ रहा। अपन ये बाल लेके जाएंगे गाड़ी, अपन बाल वो दिखी नहीं रहा जाएंगे तलक बाल। हाँ ये लेके चलो बाहर, चलो जाते चलो 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 सबको बोल दो चलो निकलो, तुम बोलो चलने के लिए तैयार, ऐसे कर दो चलने के लिए तैयार, सबको चलने के लिए तैयार। बाय बाय, चलो ये तरफ तेरे को भी बाय बोल लेके चल। चलो भागो 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 भागो, ये लो पकड़ो, तुमसे नहीं हो रहा है। अच्छा छोड़ो, चलो 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 उसमें लेके चलो। अच्छा छोड़ दो, क्या हुआ इधर बोलो, चलो लेके चलो 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 चलो। टूटेगी तो अरे वाह विक विक विक। चलने के लिए तैयार, दौड़ो दौड़ो, कहाँ है पप्पा, पप्पा आ गए और ये आ गए हैं भाईजान। भाईजान अभी हम लोग बाहर आ गए तुम्हारा इंतजार करते करते। हाँ मिल गया मोमोस, कहाँ से मिला, एक नंबर। सलाम करो सब जोर से। इससे पहले अंकल नमाज गए थे, मैं बैठा था नमाज पढ़ के। मिला था मिला था महाराज से अपन लेते मिल गया, फाइनली मोमोज मिल गया, तब मेरा बच्चा शौकन से खाएगा। क्या हुआ सोना, उसमें एक बात बोलो, भाई का मूड खराब है बोल के अपन ने उसको बाहर लेके आए, उसको गाड़ी से खेलने देना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। मजा आ रही है सुफ, जोर से बोलो, बहुत मजा आ रही है, चिल्ला के बोलो।
कान में बोलता है वो, सुनाई दिया कि किसी के? कहा है रे ये? अपनी चिंटी जैसी है। कौन का है मम्मा? फुप्पा का है। साइके को पूछता बराबर है लेकिन नहीं दिखेंगे तो। काम पे तो थक के आए थे और फिर आते साथ ना चाय देते साथ बोली भाग जाओ मोमोज लाने के लिए। वो इतना ढूंढे पता है वो मोमोज यहाँ पे बनता और पता नहीं किसका वेट कर रहे थे फिर जाके लेकर आए। मैंने बोली तो उनको कुछ भी हो जाए वो आज मोमोज खाएगा, भले छिड़ गया लेकिन बेचारे तो थक कर आए और भागे मोमोज लाने। क्या करेंगे स्पेशल गेस्ट, बच्चे की ख्वाहिश है तो ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है ना चची बोली ना। हाँ चलाओ चलाओ, घूम रहा है ना बाहर गाड़ी पे। जी यार अब ये स्लाइम पे कचरा लग गया बता। स्लाइम गिरा दी उसने देखना, छी कचरा लग गया। अब तो इससे नहीं खेल सकती मैं, रुक के कचरा तो निकालने देंगे जी। क्या हुआ यूसुफ? इसको ना बाइक की आवाज आई तो उतर के ना साइड करने लगा लेकिन वो गाड़ी उस तरफ गई, इस तरफ नहीं आई। नहीं आ रही है मम्मा, गाड़ी नहीं आ रही है, तुम बैठ के चलाओ आराम से। ये लाइट इसकी ना पर डी क्या बोले पापा? इनकी मजाक करूं? इनकी बुक्कू की मजाक करूं? स्कूल की मजाक आई थी। स्कूल की मजाक करूं? यूसुफ मछली जल की पानी है, पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी। यूसुफ ये नहीं बोलता है, यूसुफ जोनी जोनी बोलो। पानी खा लो तो मर जाएगी। जोर से उस माँ पापा की तरह जोर से। बच्चे का मेरे कुछ सुनने ही नहीं आया क्योंकि पीछे से मीटिंग की आवाज आ रही है और इधर से उज़मा की आवाज आ रही है। बोलो फुप्पू को मेहमान काकरोच है, उसमें मत टच कर उसको मत, गंदी चीज काकरोच, मेरे को सबसे गंदी चीज लगती है काकरोच, और मुझे सबसे गंदी चीज लगती है। एक बार चिपकली पर उड़ जाती है लेकिन काकरोच नहीं। छी ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते फटाफट बढ़ते जाते, काकरोच आते भी तो गंदी जगह से है। हाँ और चिपकली गंदगी साफ करती है एक हिसाब से देखा जाए तो। ये वो सोच रहा था उसमें क्या बोली, अभी देख बोल रहा है वो भी कर रहा थी सोच रहा था वो। अभी तुम बेटा ये तुम बोल रहे थे बहुत अच्छा बोल रहे थे, बोलो करो अभी आपा बैठी है ना ऐसे गोल घूम के करो। देखिए एक बार सुना ध्यान से गौर किया और याद किया। कंसंट्रेशन दे उसका शॉट देखी देखी किया पूरा इसको ये आता नहीं था। देखी ना कितना तीन से चार बार उसने उस ग्राउंड में घूम के बोली उसको याद हो गया। बस बेटा चक्कर मत काटो, बस हो गया चलो सीख गया भाई, मत काटो चक्कर माइंड उस नहीं। ट्विंकल ट्विंकल से शुरू करो। भाव कर रहा है भाव। एक कौवा प्यासा था। क्यों थैंक यू बोले तुमने पप्पा को?
क्योंकि मोमोज लाए मेरे पापा ने। मोमोज खाऊंगा, माशाल्लाह मूड ठीक हो गया मेरे बच्चे का। खा बेटा, खोलो खोलो, खाओ। खाएंगे पूछ रहा। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। तो अब देख ना कितना हो गया उसको। खा लो, ठंडा ठंडा, गर्म नहीं। फोन मेरा तो अच्छा, देखते देखते खाता ना ये फोन में, बाप रे। ये जैसे पिक्चर देखते देखते पॉपकॉर्न खाते ना, वैसा उसको चाहिए। क्यों हाथ लग रहा स्लाइम को? ओ रख स्लाइम, ले तू भी खा ले। क्या ये स्लाइम बहुत बड़ा, कैसे खाएगी? जीनी खिलाएगी, देखो ना कितना डिपेंड होके बोलता है। माशाल्लाह, बोल मैं मोमोज खा रहा हूँ। यम है, हेलो, फ्लेवर तो लेने दे पापा। बाप का पूरा व्यू यही बढ़ाता है। जैसे मेरा मेरी उज्मा बढ़ाती है। स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी, सिर्फ उसके साथ मस्ती करती थी। तब तो ना तो इन लोग कैमरे पे आते थे, मेरी फैमिली तो पूरे एक डेढ़ साल के बाद कैमरे पे आई है। ना जीनी आई थी, ना रियाज आया था सबसे पहले, उसके बाद वो शर्माता था। पूरा डेढ़ दो साल के बाद ही मेरी फैमिली यूट्यूब पे आई ना। मैं अकेले ही मतलब चैनल चलाती थी उज्मा के साथ। बाबू आ जाते थे शाम में काम पे से, तो कैमरे में दिखते थे। तो ना कुछ भी बोलो, लेकिन मैं तो यही बोलूंगी कि मेरी बेटी है भागीदार, फर्स्ट भागीदार मेरे चैनल पे। उसी की वजह से मेरा चैनल ग्रो हुआ। शेरू तो सबसे आखिर में मेरे चैनल पे आया था, सबसे आखिर में, रमजान ईद में आया था। कौन सा ईयर था? 2019 नहीं, सबसे पहला रियाज आया था। उसका पहला बर्थडे था 2018 का, तब मेरे चैनल पे वो आया था। सब्सक्राइब करके तीसरा सब्सक्राइबर बन के, सब्सक्राइब करके नहीं तो उसने दो दिया था। अंदर अच्छा है, करने दो, कुछ तो करती है। तो वैसे भी उतने टाइम में ना कोई भी मेरे को रोकता था तो भी नहीं रुकती थी मैं, क्योंकि मेरे को इतना शौक था यूट्यूब का। मेरे को मैंने तो आप लोगों के साथ शेयर भी किया ना, मैंने अम्मी अब्बा को भी बाद में बताया। पहले मैंने करना शुरू कर दिया, क्यों मैं बता देती पहले ही नहीं कर पाती, तो मैंने सोचा था मैं एक बार पहले बता दो ना तो इंसान करने नहीं देता। और मुझे मालूम था, मैं एक साल से यूट्यूब मैं इतनी इंटरेस्टेड थी ना उसके बारे में जानना, नॉलेज लेना, उसके एल्गोरिदम पढ़ना। पूरा एक साल जब उज्मा मेरे पेट में थी, जब उज्मा डिलीवर हो गई, 5 महीने की हो गई, 4 महीने की हो गई, तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था। मुझे ग्रोथ दिख रही थी, लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकती थी उस टाइम पे मैं शब्दों में, इसलिए मैंने किसी से पूछा नहीं था। और किसी तब तक तो सिवाय बाबू के किसी को पता भी नहीं था मेरा चैनल है बोल के। और हम लोग को पता भी नहीं था यूट्यूब पे सब व्लॉगिंग व्लॉगिंग कुछ होता भी है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। बाबू को ये मालूम था कि मैं यूट्यूब करने वाली हूँ, तो ऐसा है। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बताया ना अपने फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट वाली वीडियो में भी, कि मेरे घर वाले को लगता था, घर वाले क्या पूरे रिलेटिव को लगता था, क्या वीडियो क्या पागल चले कर रही है। लेकिन बाद में धीरे धीरे सब हो गया। मैंने बोली थी सबको कि ये यूट्यूब की जो दुनिया है ना, यहाँ पे अगर लगन से काम करो, और यहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा है, दूसरे कामों से ज़्यादा मेहनत है, यहाँ पे एक दिन आगे ज़रूर बढ़ूंगी मैं। और देखो अल्लाह के फजल करम से आज पूरा घर आगे, अल्हम्दुलिल्लाह है ना जिनी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा, लेकिन ये जरूर कहूंगी, पहला सब्सक्राइबर मैं मेरी खुद की मैं थी, दूसरा सब्सक्राइबर मेरे बाबू थे, और तीसरा सब्सक्राइबर शेरू था। लेकिन तब तक मेरा चैनल चालू होकर 2 महीने हो चुके थे, लेकिन 2 महीने में भी मेरे 3 ही सब्सक्राइबर थे। यकीन नहीं करोगे आप, मुझे पता है, क्योंकि मेरे 5 महीने तक के सिर्फ और सिर्फ 150 सब्सक्राइबर थे। पांच महीने तक के 150 सब्सक्राइबर थे, डेली एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, कभी कभी 3 बढ़ जाता था ना, बड़ी खुशी हो जाती थी। मैं देखो आज इसने याद दिला दी, यूट्यूब की बात कर दी, फोन करके बोलने की क्या अम्मी आज मेरा 1 सब्सक्राइबर बढ़ा है, इतना खुश होती थी ना, नाचती थी मैं। और जब मैंने 1 सब्सक्राइबर बढ़ता था ना, तो मैं तो अम्मी को फोन करके बोलती थी, मेरे हालात क्या होते थे बाबू तुम बताओ। मेरे 1 सब्सक्राइबर बढ़ गया, और कभी कभी ऐसे कम भी जाते थे, अल्लाह मेरे सब्सक्राइबर कम कैसे हो गए, गायब कैसे हो गए। तो ऐसा है, उतने टाइम पे देखो चाहती तो मैं डिमोटिवेट हो जाती थी, क्योंकि अब्बा भी कहीं ना कहीं ना ऐसा लगते है कि क्या कर रही है। तो मैं हमेशा से ना, मेरे अब्बा को अगर कोई चीज बुरी लगी ना, तो मैं नहीं करती थी। अब्बा ने मना भी नहीं किए, सही बोली इसने, शेरू ने बोला कि करने दो, सब अपनी मर्जी का, कोई ना कोई काम किए, उसको आज तक क्या पुण्य, कुछ अपनी मर्जी का करने नहीं दिए, तो चलो करने दो।
कुछ गलत तो नहीं कर रही है, अपनी लाइफ ही शेयर कर रही है यूट्यूब पे। तो वहाँ से मेरे फैमिली मेरा सपोर्ट बनी, लेकिन कैमरे पे कभी नहीं आते थे। एक डेढ़ साल के बाद जब उनको मतलब बोलते ना एक कैमरा फ्रेंडली होने के लिए टाइम लगा, तो ऐसा है। रिलेटिव्स तो सालों साल तक के मेरे बोलते थे क्या एडी है, क्या पागल है, लेकिन वो एडी पागल देखो आज वही शौक सब में उमड़ रहा है, सब में उमड़ रहा है वो पागल, वो एड़े चाले मेरे अब सब करना चाह रहे, करने दो। मेहनत में जोश होना चाहिए, जोश में होश होना चाहिए, होश खो के जोश खो के ऐसी मेहनत मत करो कि आगे बढ़ने की बजाय डाउन, मतलब ऐसा कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते कि आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी ऐसा मत करो। देखो मैं तो बोबड़ी थी, मैं बोबड़ी हूँ, मैं बोबड़ी ही रहूंगी। क्यों बाबू? सही बोली। मैं बोबड़ी थी, बोबड़ी हूँ, बोबड़ी ही रहूंगी। मैं तो मेरी बकबक मेरी खत्म नहीं होती है अभी भी। मैंने वो कहा की बात कहाँ लेके आगे कितना बोली। चलो खैर आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, खाना खा लेते हम लोग भी, ठीक है? चल यूसुफ अल्लाह हाफिज कर, टाटा कर। ये देखो ये मेरा व्लॉग देखता है, ये देखो ये लड़का मेरा व्लॉग देखता है और खुद ही के सतवास देखा। नहीं ये कौन सा व्लॉग देख रहा है पता है? नूर का सतवासा था, ये उसके पेट में था। टाटा कर दो, टाटा बोल दे, बाय, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर दो, अल्लाह कर दो। मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट किया तो बाय बाय चप्पू, अल्लाह हाफिज, बाय बोलो तुम, बाय। एक जगह बैठ के कर्नाटक मत करो, बाय, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और है ना ये जो व्लॉग यूसुफ देख रहा है ना, नूर का सतवासा यानी सतवासा गोद भराई व्लॉग है मेरा, वो देख लेना प्लीज, आप वॉच कर लेना, मैं लिंक यहाँ पे लगा दूंगी अगर नहीं वॉच किए तो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, बहुत बड़बड़ करती हूँ ना मैं आज के व्लॉग में भी, बहुत बड़बड़ करी मैं, लेकिन क्या करूँ, आप लोगों को वही पसंद आता है तो। निकला तुम लोग जा रहे? नहीं मैं भी चल रही है अभी साथ में। तालू तुम टोपी निकालेंगे क्या? जरा चेहरा नहीं दिख रहा, हाल है। आएंगा कब आएंगा अभी वापस? फिर वापस यहाँ पे आके रोएगा नहीं ना? अभी कुछ कहाँ जाने का, घर पे जाने का? घर पे जा रहा ना मम्मा, चची घर पे जा रहा ना, घर पे चलने का तुमको? सच्ची में अम्मी से मिलने का? अरे बात करी क्या नन्नू उससे? बात की तो वापस कान पे लगा ले, फिर मैंने रिटर्न कॉल की तो स्पीकर करी तो मेरे को बात ही नहीं करने दे रहा। हाँ अम्मी मैं आ रहा हूँ, मैं मोमोज खा रहा हूँ। खाया फिर इसने? छोड़ा तो नहीं ना मम्मा? एक मैंने उसमें के इसमें डाल दी, खाया एक, घर पे जाके खाना खाना अच्छे से तुम्हारी खिचड़ी। हाँ ओके, पेट भर के खाना खाना। ए मेरे को फोन करके बताना इसने खाना खाया कि नहीं खाया। खाया नहीं खाया? तूने आज दिन भर नाटक किया है। ए ये सिर्फ अपनी अम्मी के साथ ही खाना खाता है? नहीं ऐसा नहीं, सबके साथ खाता है, किसी ना किसी हाथ से खा लेता है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर इसको भाभी। क्या रे इसको कितना परेशान किया मम्मा, मतलब इसकी पसंद का खाना हम लोग भी इसको खिला लेते हैं, जब इसकी पसंद का नहीं है। क्या पसंद? रवा खिचड़ी, शादी खिचड़ी, रवा, वो सब बहुत शौक से खा लेते हैं। ऐसा नहीं होता। चलो फिर अल्लाह फिश, बाय बाय। ओ पप्पी दे गए, अरे मेरे को सही से गले नहीं लगाए तुमने, एकदम अच्छे से नहीं लगाए। उसको पहले दिखी, देखा ऑटो, ये भागो जल्दी पकड़ ले जिनी। आखिर ऑटो मिल गई, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, संभाल के जाओ।